हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंसिंग का मीन, जैसे आपके पास एक प्लॉट है, आपने उसकी बाउंड्री पे कुछ करना है, ठीक है, उसकी बाउंड्री करनी है पूरी, इसको फेंसिंग बोलते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट मीन्स आपको प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करना है, फाइंड करना है। देन हम सबसे पहले, हमें लेंथ एंड ब्रेथ किस में दी हुई है, रेशियो में, तो हम इनको सपोज कर लेते हैं। देन हमने लिख लिया, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, क्योंकि रेशियो भी हमें 11:4 दी थी। देन उन्होंने हमें बोला है कि 1 मीटर को फेंस करने के लिए ₹100 लगते हैं और टोटल कॉस्ट है 75,000। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, ₹75,000। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, अगर आपको 1 मीटर फेंस करना है तो उसकी कॉस्ट है ₹100। हमें क्या निकालना है, कितना फेंस हुआ है, टोटल फेंसिंग कितने मीटर्स की हुई है। देन जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मीटर्स फेंस्ड, कितने फेंस हुए हैं, तो वो कितने होंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 1 मीटर की कॉस्ट। हमारे पास आ गया 750 मीटर, जो हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे आया ये। देखिए, सपोज आप करें कि आप एक शॉप में गए हैं और आपने वहाँ पे ₹200 के पेन बाय किए हैं और वो पेन जितने भी आपने लिए हैं वो सेम प्राइस के हैं, और कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट है आपके पास ₹20। तो आपने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड किए, 200, वन पेन के लिए कितना देना पड़ेगा, ₹20। हाउ मैनी पेन्स बाउट, तो आपने लिए 20 / 2, दैट इज़ 10 पेन्स। जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता थी और हमें वन की प्राइस भी पता थी, तो हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे टोटल फेंसिंग में 75,000 रुपीज़ स्पेंड हुए, 1 मीटर फेंस करवाने पे ₹100 लग रहे थे, तो कितने मीटर फेंस हुआ, 750 मीटर। तो 750 मीटर उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या है, ये बाउंड्री, ठीक है। तो 750 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, और इसकी वैल्यू 750 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 × length + breadth = 750 मीटर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 11x, क्योंकि लेंथ को हमने 11x पोज किया था और ब्रेथ को 4x, यहाँ पे लिख देते हैं 4x। देन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, पहले इनको भी प्लस कर लेते हैं, 11 + 4 15 आ गया। देन यहाँ पे और इजी हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 30, 15 2 ज़ा, देन अब जाके हम 30 को सीधा ही डिवाइड कर देंगे 750 के साथ, 0 से 0 कट गई, 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 25। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ कैसे आ जाएगी, लेंथ थी आपकी 11x, मीन्स 11 × 25, एंड ब्रेथ की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4x, 4 × 25। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, एंड देन यहाँ पे आ गया 100। देन अब हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो हमें दोनों डिमेंशंस बता दी, लेंथ कितनी है 275 एंड ब्रेथ कितनी है 100 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या दिया है, हसन बायस टू काइंड ऑफ क्लोथ मटीरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटीरियल कॉस्ट ₹50 per meter एंड ट्राउजर मटीरियल कॉस्ट ₹90 per meter। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटीरियल, ही सेल्स द मटीरियल एट 12% and 10% profit respectively। ही हिज टोटल सेल
is rupees 36,600 and हाउ मच ट्राउजर मटीरियल डिड ही बाय, हमें निकालना है उसने ट्राउजर का मटीरियल कितना लिया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द ट्राउजर मटीरियल ही अबाउट बी एक्स मीटर। ओके देन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फॉर एवरी 3 meter ऑफ शर्ट मटीरियल ही बाय 2 meter ऑफ ट्राउजर मटीरियल, विच मीन्स अगर वो हर 3 meter के लिए 2 meter ट्राउजर ले रहा है मटीरियल, तो हम ऐसे क्योंकि हमने पहले ट्राउजर को सपोज किया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो हर 2 meter ट्राउजर के लिए 3 meter शर्ट का ले रहा है, क्लोथ है ना। देन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 2 meter ऑफ ट्राउजर जब वो बाय कर रहा है वहाँ पे वो ले रहा है 3 meter ऑफ शर्ट मटेरियल, देन अगर वो 1 meter ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बाय करेगा तो कितना लेगा, 3/2 meter ऑफ शर्ट, क्योंकि यूनिटरी मेथड से हम ऐसे ही करते हैं, अगर 2 meter के लिए 2 meter के हिसाब से वो 3 meter ले रहा है तो 1 meter के हिसाब से कितना लेगा, 3/2। देन अगर वो एक्स मीटर ट्राउज़र ले रहा है, एक्स मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल के लिए वो कितना शर्ट मटेरियल लेगा, देखो 1 meter के लिए 3/2 ले रहा है और मैनी के लिए कितना लेता है, एक्स के लिए कितना लेगा, 3/2 इंटू एक्स मीटर ऑफ क्लोथ ऑफ शर्ट मटेरियल। देन हमें पता चल गया अब कि अगर वो एक्स मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ले रहा है तो 3/2 एक्स मटेरियल मीटर वो ले रहा है शर्ट का मटेरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें दी है, इनकी कॉस्ट बताई हुई है, यहाँ पे शर्ट मटेरियल की रुपीज़ 50 per meter और ट्राउज़र की रुपीज़ 90 per meter, हम उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, देन इसकी कितनी कॉस्ट होगी आप बताइए, 1 meter के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं हमें, 90 rupees, एक्स मीटर हमने बाय किया है तो एक्स के लिए कितने देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया ₹90x। देन कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, अच्छा शर्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी, देन हम उसकी भी 1 meter की कॉस्ट है ₹50, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके जितना उसने बाय किया, उसने किया 3x/2, देन ये कटिंग हो गई 2 ones are 2 25s, आंसर आ गया 75x। ये आ गई हमारे पास शर्ट की कॉस्ट और ये आ गई हमारे पास ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट। देन इन दोनों का प्रॉफिट भी बताया था हमें, किस पे कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ही सेल्स मटेरियल एट 12% 10% रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे पहले किसकी बात हो रही है, शर्ट की, उस पे 12% है और ट्राउज़र पे 10% है, तो हम इनकी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल कितना प्रॉफिट हुआ, 10%, तो कैसे क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, परसेंटेज दी है ना आपको प्रॉफिट निकालना, तो आप क्या करेंगे, CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100, कितनी CP है हमारे पास, 90x इंटू प्रॉफिट परसेंटेज 10% ओवर 100, ये कटिंग हो गई, आंसर आ गया हमारे पास 9x। देन प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल, प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल, अब शर्ट मटेरियल पे कितना प्रॉफिट है हमारे पास, वो है 12%, तो हमें पहले परसेंटेज दी है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में, तो क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये तो परसेंटेज है, देन अगेन सेम हमें प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 75x इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ कटिंग कर लेते हैं इजिली चला जाएगा 25 के टेबल में भी, यहाँ पे 25 3s are 25 4s are 4 1s are 4 3s are, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 3s are 9, यहाँ पे आंसर आ गया 9x। ट्राउज़र मटेरियल पे भी 9x प्रॉफिट हुआ है और शर्ट मटेरियल पे भी 9x प्रॉफिट हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं इनकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, फॉर्मूला तो आपको आता ही है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 90x प्लस 9x दैट इज 99x, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, अब शर्ट का मटेरियल कितने का है, सेम फॉर्मूला,
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 84x टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों की निकाल देते हैं। हमें ऑलरेडी गिवन है 36,600, देन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 99x प्लस 84, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल के फॉर्म में निकाला है उसमें ट्राउज़र की इतनी आई है और शर्ट की इतनी आई, इन दोनों को ऐड करके जो हमें गिवन नंबर है उसके इक्वल आ जाएगी। हम इनको प्लस करके सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 183x, देन एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे 133 आके डिवाइड कर देते हैं। थ्री के टाइम में जा सकते हैं, 3 2s 2s 0 0, देन 3 6s 3 1s। अब किस टेबल में जाएगा ये 61 के जा रहा है, 61 2s 2 1s 2 2 6s 12, 61s यहाँ पे आ गया, 2s पीछे 2 0s, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 200, x इज़ इक्वल टू 200। तो हमने कितना ट्राउज़र मटेरियल लिया था, हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सपोज किया था x मीटर, तो हमसे पूछा भी यही था, तो हमारा आंसर आ गया हमने कितना ट्राउज़र बाय किया है, इक्वल टू 200 मीटर। देन आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार आप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब हमें नंबर ऑफ डियर टोटल निकालने हैं, पूरे उनके हर्ड में कितने हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स, पूरे हर्ड में कितने, हमने एक्स नंबर ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट हमें क्या बोला है, दे सेड हाफ ऑफ द डियर, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स, दैट इज 1/2 x, जिसको आप x ओवर 2 भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ टोटल तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन दे सेट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो आपको पहले रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग डियर, रिमेनिंग कितने होंगे वो कैसे आएंगे आपके पास, सबसे पहले आप क्या करें, टोटल क्या है x, उसमें से हाफ को माइनस कर दें जो ग्रेज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ले लिया, एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आ गया 2x माइनस x, 2x में से x गए, x ओवर 2, तो ये आपके रिमेनिंग डियर हैं। नंबर ऑफ डियर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, वो कितने होंगे 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 इंटू एक्स बाय 2, दैट इज 3x ओवर 8। देन रेस्ट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर वो कितने हैं 9, वो भी लिख दिया। अब आप देखिए आपके पास टोटल डियर कितने थे x, उनको किसके इक्वल कर सकते हैं, ये कौन है हाफ जो ग्रेज कर रहे हैं, प्लस ये कौन से हैं जो वाटर पी रहे हैं, और ये प्ले कर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग एक्स बाय 2, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग 3x ओवर 8, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर 9, तो हम दोनों एक्स वाले, ये तीनों किसके इक्वल आ गए टोटल के। अब एक्स वाले टर्म्स को हम इस साइड ले आते हैं और उधर हम सिर्फ नंबर को रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया नीचे, देन एलसीएम लिया 8, यहाँ पे क्या आ गया 8x, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 9, 8x माइनस माइनस प्लस यहाँ बन गया 7x, साइन बड़े डिजिट का क्योंकि 4 ग्रेटर है, देन 8 में से 7 के ओनली x 1x ही बचेगा, और ये 8 जाके यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 72। हमारा आंसर क्या आ गया, कितने डियर थे टोटल उस हर्ड में, 72 डियर्स। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर,
देन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रैंड डॉटर की एज हम एक्सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड फादर की क्या है 10 टाइम्स द ग्रैंड डॉटर्स एज, तो उसकी 10x आ गई। देन अगेन ही ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, उससे अपने ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर भी है। इट मीन्स ग्रैंड फादर की एज हमें टू वे से बताई है, एक कि वो 10 टाइम्स है अपनी ग्रैंड डॉटर की, दूसरा 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रैंड फादर की एज लिख दी 10x, ग्रैंड फादर की ही एक और एज है दैट इज x प्लस 54, मतलब इस वे से बताइए, टू वे हमें बताए हैं एज निकालने के, एक कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के 10x है, 10 टाइम्स है, और ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो ये भी ग्रैंड फादर की एज होगी, ये भी ग्रैंड फादर की एज होगी, दोनों को इक्वल करके हम ग्रैंड फादर की एज से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले x इधर जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ गया 9x, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया और 9 को 54 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया x। x किसकी एज थी, ग्रैंड डॉटर की, और हमें इस क्वेश्चन में किसकी एज निकालनी थी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी थी, और हमने जो एजेस पोज की थी वो प्रेजेंट एज ही थी दोनों की। तो अगर ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज 6 है, तो जो ग्रैंड फादर है उनकी एज क्या होगी, ग्रैंड फादर की एज होगी 10x, दैट इज 10 × 6 60 ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर की आ गई 60 ईयर्स। और आप देखिए ये इक्वेशन इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, 6 + 54 भी ग्रैंड फादर की 60 ईयर्स ही आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। तो पहले हम ले लेते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, अमन एज इज 3 times हिज सन एज, तो सन की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ले लिया, अमन की क्या हो गई 3x। 10 years ago, तो हम पहले 10 years ago ही वॉज, अमन मीन्स अमन ही वॉज 5 times हिज सन एज, दोनों की पहले 10 years ago की एज निकालते हैं। अमन वॉज, अमन्स एज वॉज कितनी होगी अमन की 3x - 10, और उसके सन की कितनी होगी, वो होगी x - 10। ही वॉज क्या बताया था, ही वॉज 5 times हिज सन एज, जो अमन की एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अमन की एज है वो क्या है 3x - 10, जो 10 years पहले थी, अपने सन की एज के 5 times, मीन जो भी उसके सन की एज थी उससे हम 5 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया 10, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी यहाँ पे आ गया 5x - 50, देन 3x - 5x, और यहाँ पे -50 + 10, यहाँ पे आ गया -2x क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया -40, माइनस प्लस माइनस, 50 में से 10 गए 40, साइन बड़े डिजिट का। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -40/-2, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे आ गया 20। अब हमारे पास सन की एज कितनी आ गई है 20 ईयर्स, और हमें किसकी फाइंड करनी थी, दोनों की। तो अगर सन की एज 20 ईयर्स है, तो अमन की एज क्या होगी, अमन की एज थी 3x, विच मीन्स 3 × 20, आंसर आ गया 60 ईयर्स। हमने सन की भी एज निकाली और अमन की भी एज निकाली। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई है पूरी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कंसेप्ट ये वर्ड प्रॉब्लम्स का भी। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।